गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप राइटर 3 के एडवांस भाग के बारे में सीख चुके हैं और आप सभी ने राइटर 3 के टेस्ट को पास करने के बाद इस भाग में पहुंचे हैं। इस भाग में आपको इम्प्रेस के एडवांस ऑप्शन के बारे में सिखाया जाएगा। आप उन ऑप्शन के बारे में सीखेंगे जो बेसिक भाग में नहीं पढ़ाए गए थे। आप सभी इस भाग को ध्यानपूर्वक सीखना है। सभी भाग की तरह यह भाग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब पहले इम्प्रेस के बेसिक भाग के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ब्लैंक स्लाइड में टाइप कैसे करते हैं? टेक्स्ट टूल की मदद से आप ब्लैंक स्लाइड अथवा किसी भी स्लाइड में टाइप कर सकते हैं। न्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट करते हैं? इसे कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं? न्यू स्लाइड को आप दो तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला तरीका, आप स्लाइड पेन में माउस या टचपैड से राइट क्लिक करें और वहां न्यू स्लाइड विकल्प को सेलेक्ट करें, आपका न्यू स्लाइड आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें और न्यू स्लाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करें। स्लाइड पर अलग अलग प्रकार के एनिमेशन लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? स्लाइड या इमेज पर अलग अलग प्रकार के एनिमेशन लगाने के लिए कस्टम एनिमेशन का उपयोग करेंगे। एक इमेज की एक से ज्यादा कॉपी बनाने के लिए क्या करेंगे जो कलर में अलग अलग आए? एक इमेज की एक से ज्यादा कॉपी बनाने के लिए डुप्लीकेट्स विकल्प का उपयोग करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग कलर और एंडिंग कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें, बताए गए किसी भी तरीके से इम्प्रेस की फाइल को ओपन करें। आइए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी ने इम्प्रेस के भाग में आप सभी ने मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग बार और ड्राइंग टूल बार के कुछ विकल्पों के बारे में सीखा था। अब आप उसके आगे बचे हुए ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। आज की कक्षा में आप सब स्टैंडर्ड टूल बार के विकल्पों के बारे में सीखेंगे। आप यह जानेंगे कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार के विकल्पों का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि न्यू, सेव, कॉपी, पेस्ट, डिस्प्ले, ग्रिड, स्लाइड, स्लाइड लेआउट, स्लाइड डिजाइन इत्यादि के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आप लाइन एंड फिलिंग टूल बार के बारे में सीखेंगे, जैसे कि लाइन, विड्थ, कलर और इन ऑप्शन को कैसे हाइड और शो करते हैं, यह भी सीखेंगे। पहले आप इम्प्रेस की फाइल में 5 ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करें। अब आप पहले स्लाइड में आप कुछ टाइप करें, आप अपने बारे में भी टाइप कर सकते हैं। अब आप 2 और 3 स्लाइड में ड्राइंग टूल बार की मदद से किसी शेप को ड्रॉ करें और फिर इसको डिजाइन करें। 4th स्लाइड में गैलरी विकल्प की मदद से किसी चित्र को इंसर्ट करें और इसे स्लाइड पर अप्लाई करें। 5वीं स्लाइड पर फॉन्ट वर्क गैलरी की मदद से अपने नाम को टाइप करें। क्या आप सभी ने इन 5 स्लाइड पर बताए गए डिजाइन या फॉर्मेट को तैयार कर लिया है? अगर किसी ने नहीं किया तो आप सभी इसे जल्दी से तैयार करें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं स्लाइड को इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इम्प्रेस की फाइल को ओपन किया है। यहाँ स्लाइड पेन में जाना है, राइट क्लिक करना है और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम स्लाइड पेन में जाके राइट क्लिक कर रहे हैं। राइट क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल 5 स्लाइड को यहाँ पे इंसर्ट किया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी जो ये आया हुआ है हमारे पास स्लाइड, ये टाइटल स्लाइड है, टाइटल और कंटेंट स्लाइड है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नए स्लाइड को ले सकते हैं। यहाँ पे टाइटल स्लाइड आपको शो हो रहा है। अगर आपको इसके अंदर कुछ टाइप करना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंटर को रखना है, जैसे ही पॉइंटर को रखेंगे कर्सर आ जाएगा,
फिर आप अपने कीबोर्ड की मदद से इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा लिखा। अब जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहां पे हम क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा कर्सर आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे। फिर आप जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, जो भी आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ को आप देखकर टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे टाइप किया जा रहा है, आप ही इसे देखकर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा के बारे में लिखा जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा इज एन ATG एंड 12A सर्टिफिकेट नॉन प्रॉफिट, इस तरीके के कुछ लाइन लिखा जा रहा है यहाँ पे। इसे देख के आप भी लिख सकते हैं, अगर आप अलग से कुछ लिखना चाहते हैं अपने बारे में या स्कूल के बारे में, या कुछ अलग से कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइटल के साथ, या फिर आप वीडियो को देखकर, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है उसे देखकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, कंप्यूटर शिक्षा इज एन ATG एंड 12A सर्टिफाइड नॉन प्रॉफिट NGO रजिस्टर्ड इन गुड़गांव वर्किंग टुवर्ड्स। कंप्यूटर लिटरेसी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे लिटरेसी अमंग द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइप हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हमें अगले स्लाइड को सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे अगले स्लाइड को सिलेक्ट किया। उसे ब्लैंक करने के लिए लेआउट ऑप्शन में जाना है और ब्लैंक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो स्लाइड है वो ब्लैंक हो जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ आप इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई शेप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ड्रॉइंग टूल बार के अंदर जाना है आपको, शेप्स के अंदर किसी भी एक ड्रॉइंग को सिलेक्ट कर लें। और उसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके अंदर अगर फॉर्मेटिंग करना है तो लाइन एंड फिलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, लाइन एंड फिलिंग की ऑप्शन की मदद से आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको इमेज को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे वीडियो में दिखाया जा रहा है, पहले लाइन का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसकी आउटलाइन को आप इसके लाइन को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से बदल सकते हैं, इसके विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसके विड्थ के कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको आप सेलेक्ट करके किसी भी कलर को सेलेक्ट करेंगे तो उसी तरह लाइन आ जाएगा। अगर इसके अंदर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे बिट मैप ऑप्शन को सिलेक्ट किया और उसके साथ वाले बॉक्स जो ड्रॉप डाउन बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत प्रकार के डिजाइन है, उस डिजाइन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें, वही डिजाइन आपके शेप के अंदर जो ड्रॉइंग आपने ड्रॉ किया है उसके अंदर आ जाएगा।
अब आप अगले स्लाइड को सिलेक्ट कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी टाइटल स्लाइड है, इसको ब्लैंक करने के लिए लेआउट में जाके ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। फिर ड्राइंग बार में जाके किसी एक शेप्स को सिलेक्ट करें, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर इसको और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर इसकी आउटलाइन को आप इसके लाइन को बदलना चाहते हैं तो आप यहां से बदल सकते हैं। इसके विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसके अंदर कलर कर सकते हैं या अलग प्रकार के डिजाइन दे सकते हैं। जैसे आपको पसंद है आप उसी तरीके के डिजाइन को दे सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। किसी भी एक डिजाइन को आप सिलेक्ट कर लें, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसी प्रकार का डिजाइन आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। फिर अगले स्लाइड को सिलेक्ट कर लें, इसको भी लेआउट में जाके इसे ब्लैंक कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने इसको ब्लैंक किया। ब्लैंक करने के बाद इसके अंदर आप जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि हमें आप गैलरी में से किसी ऑब्जेक्ट को या चित्र को इंसर्ट करना है तो हम गैलरी विकल्प पे क्लिक करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं नीचे यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा बहुत सारे। यहाँ कैटेगरीज में अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं, पीपल, रूल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इसमें अलग अलग प्रकार के इमेज दिए हुए हैं, क्लिप आर्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से आप किसी भी एक क्लिप आर्ट को सिलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है। उस क्लिप आर्ट को स्लाइड के अंदर इंसर्ट करने के लिए पहले उसे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने इसको सेलेक्ट किया, उस पर राइट क्लिक करना है, उसे आप कॉपी पे क्लिक कर देंगे, जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो आपके स्लाइड पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप क्लिप आर्ट में से गैलरी में से किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। हमें अब इस पे मास्टर पेज लगाना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मास्टर पेजेस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से प्रकार के अलग अलग स्लाइड डिजाइन दिया हुआ है, ये मास्टर पेजेस हैं। जो भी तरीका आपको चाहिए, जिस स्टाइल को भी आप अपने स्लाइड पे लगाना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने इस पर राइट क्लिक किया तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, सो लार्ज प्रीव्यू, सो स्मॉल प्रीव्यू। हमें सिर्फ एक जो करंट स्लाइड है इसी के ऊपर करना है, तो इसीलिए हमने क्लिक करना है आपको, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो वो डिजाइन था वो आपके स्लाइड पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है जो पांचवी स्लाइड है हमने वहां पे क्लिक किया। ये भी हमारी स्लाइड टाइटल स्लाइड है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको ब्लैंक स्लाइड में लाने के लिए सबसे पहले तो हम इस मास्टर पेज को हटाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके हम इसके लेआउट पे आ गए। अब यहाँ पे हमने ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया, ब्लैंक लेआउट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे फॉन्ट वर्क की सहायता से नाम लिखेंगे। इस फॉन्ट वर्क विकल्प पे क्लिक करना है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है। इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें जो आपको पसंद है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन पर लिखा हुआ। अभी इसके अंदर आपको अपना नाम लिखना है, इसके लिए आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। दो बार आप क्लिक करेंगे माउस या टच पैड से तो कर्सर आ जाएगा। फिर फॉन्ट वर्क को आप डिलीट कर दें बैकस्पेस या डिलीट के बटन से। फिर कीबोर्ड की मदद से आप यहाँ पे टाइप करें जो भी आप यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षा लिखा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा लिखने के बाद हमने बाहर क्लिक कर दिया। जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे उसी स्टाइल में जो हमने फॉन्ट वर्क को सिलेक्ट किया था उसी स्टाइल में जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आप ग्रीन कलर के डॉट देख सकते हैं, इस डॉट को आप ड्रैग करके इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप फॉन्ट वर्क की मदद से टेक्स्ट में नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5 स्लाइड किया और 5ों स्लाइड पे अलग अलग हमने कार्य किए जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। क्या आपको याद है कि स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है? क्योंकि इसके बारे में आप पहले भी जान चुके हैं। स्टैंडर्ड टूल एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसका उपयोग यूजर अपने जरूरत के अनुसार अपने इम्प्रेस के स्टैंडर्ड टूल बार को कस्टमाइज कर सकता है। स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर मेन्यू बार के उन ऑप्शन को हम रख सकते हैं जिसका उपयोग आप ज़्यादा करते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू इत्यादि। अब आप सभी स्टैंडर्ड टूल बार के सभी ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। पहला विकल्प न्यू का है। न्यू के विकल्प से आप इम्प्रेस के नए डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इम्प्रेस के न्यू डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से ले सकते हैं? आप इम्प्रेस के नए डॉक्यूमेंट को 3 तरीके से ले सकते हैं। पहला कि आप मेन्यू बार की फाइल ऑप्शन के द्वारा, और दूसरा शॉर्टकट कमांड के द्वारा, और तीसरा आप स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से। आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं इम्प्रेस के फाइल को 3 नए तरीके से कैसे लेते हैं। सबसे पहला तरीका, अगर आपको न्यू फाइल चाहिए उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको अलग अलग फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। हमें प्रेजेंटेशन की फाइल चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपकी नई इम्प्रेस की फाइल ओपन हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसे क्लोज कर दें। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है और यहाँ पे क्लिक कर दें। न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सेम, फिर से वैसे एक बॉक्स आ जाएगा। क्रिएट पे क्लिक कर दें, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से इसे क्लोज कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने इसे क्लोज किया। तीसरा तरीका शॉर्टकट है, शॉर्टकट मेथड। इसके लिए आप कंट्रोल एन का उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। जैसे आप कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे, एन को प्रेस करेंगे, फिर से एक फाइल ओपन हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 तरीके हैं जिसकी मदद से आप इम्प्रेस की फाइल को ओपन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर सेव का है। क्या आप बता सकते हैं सेव से क्या होता है? सेव के द्वारा आप अपने इम्प्रेस की फाइल जिसमें आपने कुछ काम किया है उसे आप भविष्य में उपयोग करना चाहते हैं तो आप सेव विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप अपनी फाइल को शॉर्टकट
कमांड के द्वारा सेव कर सकते हैं? हाँ, आप अपने फाइल को शॉर्टकट कमांड के द्वारा सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप सब Ctrl+S का उपयोग करेंगे। आइए अब स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से इम्प्रेस के डॉक्यूमेंट को सेव करना सीखते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं फाइल को सेव कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के शॉर्टकट ऑप्शन जो सेव पहले से बना हुआ सेव के आइकन पे हम लेके जाएंगे, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपको लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे एक बॉक्स, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस तरीके का एक बॉक्स आ जाएगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ से आपको लोकेशन को सिलेक्ट करना है जिस लोकेशन पर आपको अपनी फाइल को सेव करनी है। हमने एक लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया। आप एड्रेस बार में से जाके किसी भी लोकेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपनी फाइल को सेव करना है। हमने यहाँ पे फाइल नेम लिखा इम्प्रेस क्लास 1, फिर सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ सेव लिखा हुआ है। सेव ऑप्शन पे हम कर्सर को लेके पॉइंटर को लेके गए और वहां पे क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइटल बार के अंदर जिस फाइल का आपने नाम दिया था वो फाइल टाइटल बार के अंदर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। इम्प्रेस की फाइल को ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट कमांड का उपयोग करेंगे? इम्प्रेस के डॉक्यूमेंट को शॉर्टकट तरीकों से ओपन करने के लिए Ctrl+O का उपयोग करेंगे। क्या आप सभी इम्प्रेस के डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से ओपन कर सकते हैं? आइए अब वीडियो की मदद से सीखते हैं स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से आप इम्प्रेस की फाइल को कैसे ओपन करते हैं। आइए वीडियो को देख के सीखते हैं ओपन ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल को क्लोज करना है। जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं हमने इस फाइल को सेव किया और इसे क्लोज कर दिया। हमने रन कमांड के माध्यम से विंडो आर प्रेस किया जिसे रन कमांड बॉक्स ओपन हो गया। हमने यहाँ पे एस इम्प्रेस को टाइप किया। हम फिर से फाइल को ओपन कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे फाइल को ओपन किया, हमने कमांड के थ्रू ओके के बटन पे क्लिक किया, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे फिर से नई इम्प्रेस की फाइल ओपन हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमें उस फाइल को ओपन करना है जिसे हमने सेव किया था। इसके लिए आपको अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के ओपन लिखे ऑप्शन पे लेके जाना है, वहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपने जहां पे फाइल को सेव किया है जिस भी लोकेशन पे एड्रेस बार में वहां पे जाके चेंज कर लें। हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है इसीलिए हमने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया। फिर यहां से आपको स्क्रोल बार के थ्रू से अपनी फाइल को ढूंढनी है जहां पे आपको फाइल सेव है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हमने इम्प्रेस क्लास वन को सिलेक्ट किया। या फिर आप दूसरे ऑप्शन जहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ है वहां पे टाइप करके भी अपने फाइल को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे जो आपकी फाइल है वह ओपन हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप ओपन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगला विकल्प डॉक्यूमेंट एज ईमेल का है। इस विकल्प के द्वारा आप अपने करंट इम्प्रेस की फाइल को किसी दूसरे के पास ईमेल यानी कि उसे भेज सकते हैं। इसके लिए आउटलुक का अकाउंट होना जरूरी होता है। आइए अब वीडियो की मदद से डॉक्यूमेंट एज ईमेल करना सीखते हैं। आइए वीडियो की मदद से डॉक्यूमेंट एज ईमेल का उपयोग करना सीखते हैं। डॉक्यूमेंट एज ईमेल की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल के द्वारा किसी दूसरे यूजर को भेज सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो सिस्टम है वो आउटलुक के साथ अटैच लिंक होना चाहिए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं
हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में डॉक्यूमेंट एज ईमेल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आउटलुक का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जो आपका भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट है हमारे इम्प्रेस का डॉक्यूमेंट है, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जा रहा है। यहाँ पे इम्प्रेस क्लास वन जो हमारी फाइल थी वो इससे अटैच हो गया। अब आप जिस भी यूजर को भेजना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट, उसका जो ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप किसी भी यूजर का ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के रूप में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ACD एक ऐसी ईमेल आईडी हमने यहाँ पे टाइप किया। उसके बाद सेंड के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें इस ईमेल को भी किसी को सेंड नहीं करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लिक नहीं किया, इसीलिए हमने कैंसिल कर दिया। अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये आपका डॉक्यूमेंट किसी दूसरे यूजर के पास चला जाएगा। इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट एज ईमेल का उपयोग कर सकते हैं। अगला विकल्प एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF का है। क्या आपको याद है कि PDF की फाइल को क्यों बनाते हैं? PDF की फाइल के अंदर कोई यूजर कुछ चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट ऐड करके सेव कर दिया जाए तो हम चेंज नहीं कर सकते। PDF की फाइल को आप सिर्फ Adobe Reader में ओपन कर सकते हैं, लेकिन Windows 8 और 10 में आप इन्हें बिना Adobe Reader सॉफ्टवेयर के भी ओपन कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर इम्प्रेस की फाइल को PDF में कन्वर्ट करना सीखते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं PDF की फाइल को कैसे बनाते हैं। PDF की फाइल को कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार के शॉर्टकट ऑप्शन जहाँ पे PDF का आइकन बना हुआ है वहां पे लेके जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जिस लोकेशन पे भी आप अपने PDF की फाइल को सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट कर ले और फाइल नेम में जिस नाम से भी आप PDF की फाइल को सेव करना चाहते हैं वह नाम यहाँ पे टाइप कर ले। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे इम्प्रेस क्लास वन PDF टाइप किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आप डायरेक्टली PDF की फाइल से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, जो आपकी फाइल है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको देखने के लिए जो आपकी फाइल है उसे मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने के बाद आप देखेंगे हमने डेस्कटॉप लोकेशन को सिलेक्ट किया था तो डेस्कटॉप पे PDF की फाइल बन चुकी है। इसको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें लेफ्ट बटन से। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यह ओपन हो जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस फाइल को क्लोज कर दें। तो इस प्रकार से आप PDF की फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं। आप स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से अपने इम्प्रेस की फाइल को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर मशीन कनेक्ट हो तो इसके लिए आपको प्रिंट डायरेक्टली फाइल विकल्प का उपयोग करेंगे। आइए वीडियो को देखकर जानते हैं कैसे स्टैंडर्ड टूलबार की मदद से डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं प्रिंट ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं प्रिंट के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड टूल बार के प्रिंट ऑप्शन पर लेके जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट फाइल डायरेक्टली, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे जो आपकी फाइल है उसका हार्ड कॉपी प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि हमें प्रिंट नहीं चाहिए इसीलिए हमने यहाँ पे क्लिक नहीं किया है और आप लोगों को भी क्लिक नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप प्रिंट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। आप स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से कॉपी कट और पेस्ट कर सकते हैं। क्या आप सभी कॉपी कट और पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं? आइए वीडियो की मदद से कॉपी कट और पेस्ट करना सीखते हैं।
आइए वीडियो की मदद से कॉपी पेस्ट करना सीखते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप जिसको भी कॉपी या पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक इमेज बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग है, हम इस इमेज की कॉपी बनाना चाहते हैं, इसी के जैसे एक कॉपी करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए एक बार इस इमेज पे क्लिक कर देंगे, फिर स्टैंडर्ड टूल बार के शॉर्टकट ऑप्शन जो यहाँ पे कॉपी का बना हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो इसके लिए शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल प्लस सी होता है। अब जहाँ पे इसे आप पेस्ट करना चाहते हैं, हमने स्लाइड 2 पे इसे पेस्ट करना है, तो हमने स्लाइड 2 को सिलेक्ट कर लिया और स्टैंडर्ड टूल बार में पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो इमेज यहाँ पे आ गया। आप चाहें तो शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल प्लस वी करेंगे, जो इमेज था उसकी कॉपी यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब हमें कट करना है, इसके लिए हम एक और नया स्लाइड लेंगे। हमने यहाँ पे एक नया स्लाइड को इंसर्ट किया, देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड नंबर 6 यहाँ पे आ गया, अभी ये ब्लैंक है। अब हम चाहते हैं जो हमने ये इमेज को कॉपी किया था, इसको यहाँ से कट करके जो हमने स्लाइड नंबर 6 इंसर्ट किया है वहां पे इसको लेके आए। इसके लिए सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये कट ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, या इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जहां पे इसे पेस्ट करना है, हमें स्लाइड नंबर 6 पे इसे पेस्ट करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में जाके इस पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, या पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो वह इमेज यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमने इमेज किया था वो इमेज यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड टूल बार के कॉपी कट पेस्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंट ब्रश का उपयोग क्यों करते हैं? फॉर्मेट पेंट ब्रश के द्वारा आप किसी एक स्लाइड पर हुई फॉर्मेटिंग या किसी ऑब्जेक्ट या शेप पर हुई फॉर्मेटिंग के जैसे ही आप किसी भी स्लाइड पर ला सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉर्मेट पेंट ब्रश का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं फॉर्मेट पेंट ब्रश का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्मेट पेंट ब्रश की मदद से आप किसी भी दूसरे लाइन में सेम उसी के जैसे फॉर्मेटिंग दूसरे लाइन की तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ से पहले से एक शेप ड्रॉ कर रखा है और उसके अंदर पहले से हमने फॉर्मेटिंग उसका कलर हमने चेंज कर रखा है। हमने यहाँ पे ड्राइंग टूल बार में एक शेप को सिलेक्ट किया और एक इमेज को ड्रैग किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज के अंदर पहले से फॉर्मेटिंग किया गया है और एक हमारे पास वैसे ही नॉर्मल शेप है। पहले हमने जिसके अंदर फॉर्मेटिंग की गई है किया गया है उसको हमने सेलेक्ट किया, फिर अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार में ले जाके फॉर्मेट पेंट ब्रश पे क्लिक किया। अब जो हमने दूसरा वाला इमेज को सेलेक्ट किया है, जो बनाया है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों की जो फॉर्मेटिंग है वो एक जैसे हो गई है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने दूसरे स्लाइड को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज बना हुआ है जिसके अंदर पहले से ही कलर किया हुआ है। हमने यहाँ पे ड्राइंग टूल बार से एक शेप को सिलेक्ट करके हमने एक और शेप को बनाया यहाँ पे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। हम चाहते हैं जैसे इसके अंदर फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग इस सर्कल के अंदर भी आ जाए। इसके लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हम फॉर्मेट पेंट ब्रश पे लेके गए, एक बार हमने वहां पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अपने पॉइंटर को इस सर्कल पे लेके आ गए, वहां पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर
एक जैसे फॉर्मेटिंग हो गया है। तो इस प्रकार से आप एक जैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी आप सभी ने कॉपी पेस्ट और कट किया था, ठीक उसी प्रकार आप अंडू और रीडू का भी उपयोग करेंगे। क्या आप सभी अंडू रीडू का उपयोग कर सकते हैं? आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं अंडू और रीडू का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से अंडू रीडू करना सीखते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इम्प्रेस कुछ स्लाइड्स को हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ है। हमने यहाँ पे एक सर्कल को फॉर्मेटिंग किया हुआ था। अब हम स्टैंडर्ड टूल बार पे जाके अंडू के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे हमने अंडू के बटन पे क्लिक किया, जो उसके अंदर फॉर्मेटिंग था वो वहां से हट गया। फिर से हमने अंडू को सिलेक्ट किया तो सर्कल वहां पे मूव हुआ और फिर जाके सर्कल हट गया। इसी प्रकार से फिर से हम अंडू पे क्लिक करेंगे, जो हमने स्माइली बनाया था उस स्माइली के अंदर से उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग था वो हट गया। फिर हमने अंडू पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं जो स्माइली था वो स्माइली भी यहाँ से हट गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सर्कल भी हट गया है और स्माइली भी हट गया है। अब इसे हमें वापस लाना है तो इसके लिए हम रीडू करेंगे। जैसे हमने रीडू पे क्लिक किया, सबसे पहले स्माइली आया, फिर से रीडू पे क्लिक किया, उसके अंदर फॉर्मेटिंग भी आ गया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जो हमने स्माइली को इंसर्ट किया था, बनाया था, वो स्माइली यहाँ पे आ गया। फिर से हम रीडू पे क्लिक करेंगे, सर्कल आया, फिर से दोबारा रीडू पे क्लिक किया तो जो उसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग किया था वो भी उसके अंदर आ गया। तो इस प्रकार से आप हमने सबसे फर्स्ट वाले स्लाइड को क्लिक किया, वहां पे हमने एक लाइन को सिलेक्ट कर लिया और उसे हमने डिलीट कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अब हम चाहते हैं जो हमने लाइन को डिलीट किया है उसे वापस लाना, तो इसके लिए हम अंडू करेंगे। जैसे हमने अंडू पे क्लिक किया, अंडू पे क्लिक करते ही वह लाइन वापस आ गई और रीडू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो लाइन वापस चली जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी हम कार्य करते हैं अगर वो हमसे गलती से हट जाता है, उसको लाने के लिए हम अंडू करते हैं और रीडू से उसे वापस ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अंडू और रीडू का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इम्प्रेस के अंदर चार्ट, हाइपरलिंक, टेबल का उपयोग इम्प्रेस की स्लाइड पर भी कर सकते हैं। चार्ट का उपयोग आप अपने एक्सेल स्प्रेडशीट के डेटा को चार्ट विकल्प की मदद से प्रेजेंटेशन बनाकर किसी और को दिखा सकते हैं, जो कि आप स्प्रेडशीट में सीखेंगे। क्या आप इम्प्रेस की किसी भी एक स्लाइड पर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देने के लिए क्या करेंगे? क्या आप बता सकते हैं किसी भी एक स्लाइड पर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देने के लिए क्या करते हैं? आप अपने इम्प्रेस के किसी भी स्लाइड पर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग करेंगे। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हाइपरलिंक का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं हाइपरलिंक की मदद से किसी दूसरे फाइल को अपने फाइल में कैसे अटैच करते हैं, लिंक के द्वारा कैसे दूसरी फाइल को अटैच करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जिस स्लाइड पे भी आपको हाइपरलिंक लगाना है उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम स्टैंडर्ड टूल बार के शॉर्टकट हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जिस फाइल को भी आपको ऐड करना है, यहाँ ओपन फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद इस तरीके एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप जिस फाइल को भी ऐड करना चाहते हैं, जहां पे भी आपका फाइल सेव है, जिस लोकेशन पे भी है, आप उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लें एड्रेस बार में से, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया है क्योंकि मुझे डेस्कटॉप पर एक फाइल है, उस फाइल को हाइपरलिंक के द्वारा अटैच करनी है।
तो मैंने डेस्कटॉप ऑप्शन को सिलेक्ट किया, मैंने अपने फाइल को यहाँ पे सर्च किया, आप भी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। फिर ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही हमने ओपन पे क्लिक किया, जो उस फाइल का लिंक है, जो लोकेशन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे पाथ लिखा हुआ है। अगर टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, आप चाहते हैं कि इस लिंक की जगह किसी एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल नाम की नाम शो हो, तो आप उसके जगह टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इम्प्रेस पीडीएफ लिखा, क्योंकि मुझे इस नाम से उस लिंक को दिखाना है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे और फिर क्लोज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे, जिस जो टेक्स्ट में जो आपने नाम लिखा है उसी के नाम से आपके स्लाइड पे लिंक आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप इस लिंक को ओपन करना चाहते हैं, अपना पॉइंटर यहाँ पे रखें, कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और फिर इस पे क्लिक कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं टास्क बार के अंदर जो फाइल है वो हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये फाइल ओपन हो चुका है, फाइल ओपन हो गई है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये पीडीएफ की फाइल थी जो हमने अटैच हाइपरलिंक के द्वारा अटैच किया था, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप हाइपरलिंक के द्वारा किसी भी फाइल को अपने डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं। अब आप सभी स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से किसी नए स्लाइड पर टेबल को क्रिएट करके दिखाएं। क्या आप सभी टेबल को क्रिएट कर लेंगे? अगर नहीं तो आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं इम्प्रेस की स्लाइड पर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले एक नया स्लाइड खोलें। इसके लिए आप स्लाइड पेन में राइट क्लिक करें और न्यू स्लाइड पे क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया स्लाइड आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार में टेबल के ऑप्शन पे लेके जाएं। यहाँ पे एक बॉक्स है, वहां पे क्लिक कर दें, टेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, तो एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आपको कितने कॉलम्स और कितने रो चाहिए, आप उसको उसकी संख्या को यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर ओके के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, जो टेबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन दिखाई दे रहा है। इस टेबल डिजाइन पे आप जो भी आपको डिजाइन पसंद है उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के डिजाइन है। जब आप टेबल के बाहर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे डिजाइन है वो डिजाइन यहाँ से हट जाएगा, वो डिजाइन यहाँ से हट गई है, जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं। उसको वापस लाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप टेबल विकल्प का उपयोग कर सकते हैं और एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला विकल्प ग्रिड विकल्प का है। क्या आप जानते हैं डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है? डिस्प्ले ग्रिड से आप इम्प्रेस की स्लाइड में डिजाइन दे सकते हैं। जब आप डिस्प्ले ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके स्लाइड पर कुछ डॉट यानी कि बिंदु आ जाएंगे। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं डिस्प्ले ग्रिड का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से ग्रिड लाइन के बारे में सीखें। सबसे पहले आपको जिस स्लाइड पे भी ग्रिड लाइन लगानी है वह स्लाइड सिलेक्ट होनी चाहिए। फिर अपने पॉइंटर को स्टैंडर्ड टूल बार पे लेके आए और डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक कर दें। जैसे आप डिस्प्ले ग्रिड पे क्लिक कर देंगे, तो आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमारी स्लाइड सिलेक्ट थी उसके ऊपर कुछ लाइंस आ गई हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस आ गई हैं। हमने यहाँ पे F5 प्रेस करके देखा, लेकिन F5 प्रेस करने पे हमें लाइंस दिखाई नहीं दे रहे, आपको नॉर्मल व्यू में ही दिखाई देगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब अगर आपको इस ग्रिड लाइन को हटाना है, उसके लिए आपको फिर से स्टैंडर्ड टूल बार पे जाना है और वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, जो हमारी ग्रिड लाइन है वो हट जाएगी। तो इस प्रकार से आप ग्रिड लाइन की मदद से ग्रिड लाइन को शो और हाइड
कर सकते हैं। क्या आप सभी अपने स्टैंडर्ड टूलबार के विकल्पों को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूलबार के विकल्पों को हाइड और अनहाइड करने के लिए स्टैंडर्ड टूलबार के कंट्रोल बटन या ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जो कि आपको सामने चित्र में दिखाया जा रहा है। यह कंट्रोल बटन या ड्रॉप डाउन कह सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्टैंडर्ड टूलबार के विकल्पों को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं। आइए वीडियो की मदद से स्टैंडर्ड टूलबार को हाइड और अनहाइड करना सीखते हैं। सीखते हैं कि स्टैंडर्ड टूलबार के जो ऑप्शन है उसको कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड टूलबार के जो राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है वहां पे क्लिक करें तो इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। वहां पे आपको कस्टमाइज टूलबार पे क्लिक करना है। जैसे आप कस्टमाइज टूलबार पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट टूलबार का ऑप्शन सेलेक्ट है क्योंकि हमें टूल्स को ही हटाना है, इसीलिए हम इसे चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जो टूलबार कंटेंट है यहाँ पे जो ऑप्शन पे टिक लग रहे हैं, आप जिस ऑप्शन को भी आप यहाँ से हटाना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर दें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन सेव, इन ऑप्शंस को हमने अनसेलेक्ट कर दिया। फिर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ डायरेक्टली को भी ऑप्शन को हमने अनसेलेक्ट किया। फिर हमने इन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जिन ऑप्शन को हमने अनसेलेक्ट किया था वो ऑप्शन टूल बार के अंदर शो नहीं हो रहा है। आपको वो ऑप्शन शो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा टूल बार के अंदर। अगर उस ऑप्शन को आपको फिर से लाना है तो आपको फिर से स्टैंडर्ड टूल बार के जो राइट साइड में ड्रॉप डाउन बटन है वहां पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद फिर से वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन को आपने अनसेलेक्ट किया था उसे फिर से सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ओपन सेव, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ डायरेक्टली इनको भी हमने सेलेक्ट किया। इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन आपको स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस अब आ गए हैं। तो इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शंस को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार उसे वापस ला सकते हैं या उसे हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन लाइन एंड फिलिंग टूल बार का है। आइए अब लाइन एंड फिलिंग टूल बार के ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। लाइन एंड फिलिंग टूल बार के ऑप्शन को कैसे हाइड और शो करते हैं आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं लाइन एंड फिलिंग टूल बार के ऑप्शंस को कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको जो लाइन एंड फिलिंग टूल बार है इसके राइट साइड में जो ड्रॉप डाउन बटन है वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज टूल बार पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके आपको बॉक्स दिखाई देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टूल बार के अंदर आपको लाइन एंड फिलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो बाय डिफॉल्ट पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट है। अब आप जिस ऑप्शन को हाइड करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को यहाँ से अनटिक कर दें। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने लाइन को अनटिक किया, फिर एरो स्टाइल। जिस ऑप्शन को आप हटाना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप यहां से अनसेलेक्ट कर लें या अनटिक कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एरिया को भी अनटिक कर लिया। एरिया स्टाइल एंड फीलिंग इसको भी हमने अनटिक कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन जिन पे टिक लगे हैं वो ऑप्शन आपको लाइन एंड फीलिंग में शो होता है, शो करेगा, जिस पे अनटिक होगा वो शो नहीं करेगा। उसके बाद आप ओके के बटन पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं आपने जिस ऑप्शन को अनसेलेक्ट किया था वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर आप फिर से उन ऑप्शंस को लाना चाहते हैं, उनको शो करना चाहते हैं, फिर से इसी ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करें
कस्टमाइज बटन पे, कस्टमाइज टूल बार पे क्लिक करें। इस तरीके से आपको एक बॉक्स ओपन होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, और फिर उन ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें जिसे आपने अनटिक किया था, जिसे आपने अनसेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हम उन सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। फिर से सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके के बटन पे क्लिक करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे वो सारे टूल्स, वो सारे ऑप्शंस फिर से शो होने लगेगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लाइन एंड फिलिंग टूल बार के ऑप्शंस को शो और हाइड कर सकते हैं। अब आप सभी अपने इम्प्रेस की फाइल को क्लोज और सिस्टम को शट डाउन करें, क्योंकि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास में आप सभी ने स्टैंडर्ड टूल बार के विकल्पों के बारे में सीखा। आपने सीखा कि इम्प्रेस में स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है और स्टैंडर्ड टूल बार के विकल्पों का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, कॉपी, पेस्ट, डिस्प्ले ग्रिड इत्यादि के बारे में भी सीखा।